संसद में आज कुलभूषण जाधव को सजाए मौत का मसला सदन में होते ही गूंजा। कांग्रेस ने सरकार की खामोशी पर उठाए सवाल, जहां कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जाधव की फांसी की हत्या माना जाएगा। वहीं सदन में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुलभूषण जाधव को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसे एक हत्या ही समझना चाहिए और उसी तरह रिएक्ट करने की इनमें ताकत भी होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपसे माध्यम से उनको अपील करता हूं, आप हमेशा जाकर बगैर इनविटेशन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बच्ची के शादी में जाते हो, क्या इसके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते थे? क्या डायरेक्टली मिल नहीं सकते थे? क्या टेलीफोन पे आप बात नहीं कर सकते थे? और क्या आपके एक्सटर्नल में सभी लोग मिलकर इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए? और इनको अगर नहीं बचाएंगे, मैं ये समझूंगा कि सरकार की कमजोरी होगी और भारत की कमजोरी की। हुकूमत को बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, कौंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है। मैं यहाँ पर सियासत नहीं कर रहा हूँ, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज़्ज़त शहरी है और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सजाए मौत सुनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कुलभूषण की फांसी रोके जाने की मांग की है। फांसी रोके जाने की मांग के साथ अभिजीत ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया। अभिजीत ने ट्विटर पर लिखा कि अगर पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी से नहीं रोकता तो फिर भारत में जो भी पाकिस्तानी जहाँ दिखे उसे पेड़ से लटका दो। इस मामले को लेकर अभिजीत से बॉलीवुड के कुछ लोगों ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत में खोजा जाए तो ज़्यादातर पाकिस्तानी भट्ट या जौहर के घर पर मिलेंगे। इससे पहले पिछले साल जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमले के बाद गायक अभिजीत का विवादित बयान सामने आया था। पाकिस्तानी कलाकारों को काम देने पर सवाल उठाते हुए अभिजीत ने महेश भट्ट, करण जौहर और सुपरस्टार खान को दलाल तक कह दिया था। हालांकि अभिजीत पिछले कुछ सालों से लगातार पाकिस्तानी कलाकारों और गायकों और संगीतकारों का विरोध करते आए हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक कैसे नहीं बुला सकते? अगर उन्होंने कुछ भी किया हो तो इस देश के लिए किया है, इस देश के लिए अपनी जान उन्होंने गंवाने की कोशिश की, जो भी हुआ। अब ये टिट फॉर टैट है, इसमें दो देशों के बीच का बदला किसी एक तीसरे आदमी से लिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसलिए अच्छी बात नहीं है कि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को यहां पे भीख देते हैं, उनको यहां पे उनके गजल सिंगर को सर पे चढ़ा के उनको पैसे देते हैं, जो लोग अपने देश में उनको खाने को नहीं मिलता। इन आर्टिस्ट लोगों को हमारे यहां पे करण जौहर, महेश भट्ट, खान लोग सबके फिल्मों में उनके गाने होते हैं, जब उनको बैन किया जाता है तो सब चिल्ला पड़ते हैं। आज हमारे जाधव साहब के लिए कोई एक ट्वीट भी कर रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, जाधव जो वर्ड है वो तो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सम्माननीय एक टाइटल है। आज महाराष्ट्र के इतने सारे जो मराठी पार्टी और यूपी और बिहार वालों को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मुंबई के कांदीवली इलाके में बीती रात कुछ लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए, साथ ही पाकिस्तान के झंडे भी जलाने की कोशिश की गई। इसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, हालांकि देर रात उन्हें छोड़ भी दिया गया। बता दें कि जाधव को फांसी दिए जाने के फैसले के बाद भारत में लोगों ने लगातार पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा अपनाया हुआ है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की अहम बैठक हुई। बैठक में अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में बजट सत्र में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई है। बजट सत्र के दौरान यह आखिरी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी।
एनडीए की डिनर पार्टी के बाद आज बारी कांग्रेस की डिनर पार्टी की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सभी कांग्रेसी सांसदों को रात्रि भोज पर बुलाया है। माना जा रहा है कि इस रात्रि भोज के बहाने कांग्रेस अपनी आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक चल रही है। इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक में खास योजनाओं पर भी फैसला लिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही चिंता जता चुके हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि मीटिंग में इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे राज्य का विकास काम तेजी से और सही समय पर होगा। मीटिंग में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विस्तार से जानकारी देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कैबिनेट की पहली बैठक 4 अप्रैल को हो चुकी है, जिसमें किसानों के हित में अहम फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ किया था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने वृंदावन में कहा कि उनकी सरकार संकल्प पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी। गेहूं खरीदी केंद्रों के बारे में उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने अभी तक 5000 गेहूं क्रय केंद्र खोले हैं, जहां पर उनके समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं की खरीदी शुरू हो चुकी है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि जो कहते थे कि हम किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते, वो योगी सरकार ने कर दिखाया। विरोधी नकल विरोधी एक नियमावली तैयार कर रहा हूँ, एक शैक्षिक कैलेंडर तैयार कर रहा हूँ। 220 दिन पढ़ाई हो, हर जहाँ पर परीक्षा केंद्र उसके हर कमरे में, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। 200 मीटर की परिधि में कॉलेज के मैनेजमेंट प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य परीक्षा नियंत्रक और प्रधानाचार्य को छोड़कर 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दौरान नहीं रहेगा। सर, ये कुछ ऐसे कानून बना रहे हैं जिसके अच्छे परिणाम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गन्ना विकास उद्योग विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा ने दावा किया है कि प्रदेश में चीन समेत कई और देशों के उद्योगपति निवेश करना चाहते हैं। इसके लिए उनके प्रतिनिधिमंडल सरकार से लगातार संपर्क कर रहे हैं कि वे यूपी में बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं। राणा ने दावा किया कि जितना निवेश यहाँ पर पिछले 5 सालों में हुआ है, उससे ज्यादा निवेश यहाँ पर 1 साल में हो जाएगा। राणा ने यह भी कहा कि अब यूपी की कानून व्यवस्था सुधर चुकी है, जो कि पिछले 14 सालों से खराब थी। राणा ने बताया कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक नई औद्योगिक विकास नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही नई उद्योग नीति यूपी में अमल में लाई जाएगी। बहुत स्पष्ट कहा है कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं वो प्राथमिकता के साथ उनका समाधान होगा, और इस विषय पर भी बहुत गंभीरता से विचार हो रहा है। और भारत सरकार की जो योजना है, अभी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा विषय आया था गन्ने का, तो हम लोगों ने ये भी कहा है कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान नहीं चाहते कि वो फसल शामिल हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही प्रस्ताव इसका कर रही है कि गन्ने को जो है इस बीमा योजना से बाहर किया जाए। चूँकि किसान यहाँ के लगातार मांग कर रहे थे पिछले 2-1 साल से पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो जो भी किसानों का नुकसान है वो सारे को लेकर के सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से तमाम किसानों की भरपाई का प्रयास प्रदेश सरकार करे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मिले करारी शिकस्त से आहत बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में आज से दिन को काला दिन के रूप में मनाएंगे। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर यूपी चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। साथ ही तब उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में आंदोलन करेगी। पार्टी हर महीने की 11 तारीख को उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों के राज्य मुख्यालयों पर काला दिवस मनाएगी। इसी कड़ी में बीएसपी आज अपना पहला विरोध प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले इस काले दिवस के दौरान यूपी में जिला स्तर पर तथा उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में राजधानी स्तर पर विरोध प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके साथ ही पार्टी में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में काम किए थे। कि ईवीएम में काफ़ी गड़बड़ी की गई है, तो उसको हमारी पार्टी ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। और आज पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और उत्तर प्रदेश के अलावा जो बाकी राज्य हैं उनके स्टेट हेडक्वार्टर में, तो ख़ास तौर से ईवीएम के जरिए वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा और बीजेपी द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है,
तो उसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है। और हमारी पार्टी ये चाहती है कल मुख्य चुनाव आयोग से भी विभिन्न दलों के नेता मिले, और हम और हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि जब ये पूरे देश के अंदर ये आम चर्चा है और ईवीएम संदेह के घेरे में आ गई है, तो मैं समझती हूँ कि अब मुख्य चुनाव आयोग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, और अब आगे जो भी चुनाव होते हैं देश में तो वो ईवीएम के जरिए ना होकर सीधा बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर मस्जिद बनाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये याचिका अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने दाखिल की है। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद मंडल के कमिश्नर, इलाहाबाद के डीएम, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पीसी और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से एक हफ्ते में जवाब मांगा था। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 के सामने निर्माणाधीन एनेक्से बिल्डिंग के पीछे लगभग 1200 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2004 की डीएम की रिपोर्ट में जमीन पर कोई निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन बाद के वर्षों में इस भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिविजन बेंच में मामले की सुनवाई होगी। बस्ती जनपद के बहुचर्चित शंभूपाल हत्याकांड में सोमवार को सजा का ऐलान किया गया। सपा सरकार के पूर्व मंत्री रामकरण आर्या को जिला जज अनिल कुमार कुंडीर की अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 22 साल 4 महीने और 17 दिन बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। रामकरण आर्या को हत्या के दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 23 नवंबर 1994 में शंभूपाल की कटरा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस बंदूक से शंभूपाल की हत्या की गई थी उस पर लाइसेंस रामकरण आर्या के नाम पर था। जिस वक्त शंभूपाल की हत्या की हुई थी उस समय रामकरण आर्या सपा सरकार के विधायक थे। इस हत्याकांड में 10 लोगों को आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 10 आरोपियों में से एक आरोपी बनारसी की बीमारी से मौत हो चुकी है, जबकि 8 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 22 साल से भी ज़्यादा के वक्त पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में लग गया। डीजीपी जावेद अहमद ने अपने आगरा दौरे पर कहा था कि दागी पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार की जा रही है और अपराधियों के साथ साजगार रखने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसका नतीजा सामने आ चुका है। डीजीपी के जाने के बाद आईजी आगरा जोन सुजीत पांडे ने बड़ी कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक को जिले से बाहर भेजा गया है। जिन 118 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए, करीब 12 इंस्पेक्टर, 20 एसआई और 88 सिपाहियों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें बड़ी संख्या में क्राइम ब्रांच और एसओजी के सिपाही शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि इन सिपाहियों पर आरोप थे कि उनकी अपराधियों से साजगांठ है। वहीं इस बारे में आईजी आगरा जोन सुजीत पांडे ने कहा कि तबादले जनहित में किए गए। दरअसल सूबे के डीजीपी जावेद अहमद ने आगरा आने पर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सीएम आदित्यनाथ योगी ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। ऐसे में इन तबादलों के पीछे की वजह समझना बेहद आसान है। सपा राज पर तंज कसने वाली बीजेपी के राज में भी पुलिस अधिकारियों का रवैया कोई खास बदल नहीं रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि खाकी की सूरत और सीरत कैसे बदलेगी। योगी सरकार में पुलिस रुपयों के लिए किस हद तक जा सकती है, इसका ताजा मामला लखनऊ में देखने को मिला। चंद रुपयों के लालच में खाकीधारी अपने फर्ज को नीलाम करते हुए एक वीडियो में नजर आए। तस्वीरों में साफ तौर पर लखनऊ के शहीद पथ पे पुलिस की कारस्तानी देखी जा सकती है, जहां पर पुलिस का वज्र वाहन किसी कैदी को लेकर जेल में पेशी के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान पीजीआई इलाके में शहीद पथ के नीचे वहां खड़े कुछ लोगों ने इशारों में बात की और फिर पुलिस का वज्र वाहन वहां रुक गया। इसके बाद पुलिसकर्मी सरकारी गाड़ी से उतरे, उसके बाद कैदी को भी गाड़ी से उतारा गया। गोपनीय तरीके से उसके परिजनों से मुलाकात और बात कराई गई। पुलिसकर्मी आराम से कैदी को उसके परिजनों से मुलाकात करवाने में मशगूल थे, तभी उन्हें शक हुआ कि इसकी पूरी वीडियो कोई बना रहा है। इसकी आशंका होते ही पुलिसकर्मी कैदी को वापस वाहन में बैठाकर वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि वज्र वाहन में सवार पुलिसकर्मियों ने कैदी को उसके परिजनों से मुलाकात कराने में एक मोटी रकम ली थी। ऐसे में रुपयों के लालच और उसकी चमक के आगे पुलिस के वज्र वाहन में मौजूद पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ खाकी के दामन को दागदार किया बल्कि अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। बताते चले आपको कि पुलिस के वज्र वाहन में केवल खूंखार किस्म के अपराधी ही ले जाए जाते हैं।
मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट और छेड़छाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मारपीट में बुरी तरह से घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पीड़ित परिवार ने पुलिस द्वारा मामले में सपा विधायक हाजी इकराम के दबंग समर्थकों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद दोनों पक्षों की तहरीर पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया, पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाने और सपा विधायक के समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाने के बाद अब पुलिस अधिकारी पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ अब कार्रवाई करने की बात की जा रही है। पुलिस अब पीड़ित परिवार के सीएम से मिलने के बाद घटना के सभी तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई है। इधर सपा विधायक हाजी इकराम के दखल की भी जाँच पुलिस करेगी। फैजाबाद में एक एनजीओ के मैनेजर को महिलाओं को चकमा देना महंगा पड़ गया। महिलाओं ने उसके ऑफिस में उससे पहले चप्पल से पीटा और फिर उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल फैजाबाद में संचालित एनजीओ ने महिलाओं को सिलाई मशीन देने का वायदा किया था। इसके लिए महिलाओं से रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 250 रुपये और फिर उसके बाद किसी से 2900 रुपये तो किसी से 1500 रुपये जमा कराए गए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी से एक ऐसा फर्जी डॉक्टर है जिसकी योग्यता केवल 12वीं पास है। ये फर्जी डॉक्टर खुद को गंभीर बीमारियों का स्पेशलिस्ट बताकर भूले भाले गरीबों की सेहत और जिंदगी से खिलवाड़ करता है। 12वीं पास फर्जी डॉक्टर की पूर्णिमा नामक क्लिनिक जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लिनिक में बाकायदा ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किया गया है जहाँ महिलाओं का ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराने के अलावा अपेंडिक्स और बच्चेदानी का ऑपरेशन भी किया जाता है। पिछले 7 सालों से ये फर्जी क्लिनिक चल रहा था जिसका सीएमओ ऑफिस में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हैरानी की बात है कि खुद सीएमओ भी इस इलाके में बगैर रजिस्ट्रेशन के ऐसे क्लिनिकों के चलने की बात मानते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ झाले पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पहल क्यों नहीं करता। इसके कारण पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका संदिग्ध लग रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सूबे में फैले भ्रष्टाचार से लड़ना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सूबे में शायद ही कोई ऐसा आरटीओ कार्यालय होगा जहां पर दलालों का दबदबा ना हो, लेकिन मेरठ में सरकार बदलने का कुछ असर दिखाई दिया। अधिकारियों के भी काम करने के तरीके में बदलाव नजर आ रहा है। इसी योजना के तहत एसपी एडीएम एसीएम सहित 3 थानों के सीओ समेत 6 थानों की फोर्स ने जिलाधिकारी के आदेश पर मेरठ के आरटीओ कार्यालय में छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्यालय के दोनों गेटों और आरटीओ दफ्तर पर मौजूद 35 से भी ज्यादा दलालों को पकड़ा है। जब छापेमारी की गई तो कुछ दलाल ऑफिस के अंदर बाबुओं के पास बैठे मिले तो कुछ छापेमारी को देखकर वहां से भाग निकले। देखते ही देखते आरटीओ ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। पकड़े गए सभी दलालों से पुलिस पूछताछ कर रही है। छापेमारी के दौरान कई दलाल फरार होने में भी कामयाब रहे।